नाथनगर के पुरानी सराय पुल के पास रविवार की सुबह हाईवा की चपेट में आने से रामपुर खुर्द निवासी 45 वर्षीय पार्वती देवी की मौत हो गई। घटना के बाद हाईवा समेत चालक मौके से फरार हो गया। पार्वती गाँव गाँव घूम घूम कर मुड़ी बेचने का काम करती थी। मौत की सूचना पाते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग को जमकर बवाल काटा। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी कर आवागमन बाधित कर दिया। इधर जाम की सूचना पाकर नाथनगर इंस्पेक्टर जनुफुद्दीन और मधुसूदन थाना प्रभारी नसीम खान ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। वहीं ग्रामीण मुआवजे को लेकर किसी की बात कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, जबकि परिजन 1,00,000 रुपए की मुआवजा राशि और नौकरी की मांग को लेकर अड़े रहे। हंगामे की सूचना पाकर सीओ राजेश कुमार, जिला परिषद सदस्य के पति प्रदीप यादव और पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को काफी समझा बुझाकर जाम हटवाया। वहीं सीओ ने कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत 3,000 रुपए देकर 4,00,000 रुपए मुआवजा राशि दिलवाने की बात कही। वहीं सहायता राशि के रूप में पप्पू यादव ने 2,000, सीओ राजेश कुमार ने 1,000, गोल्डन शाह ने 3,000, रामपुर खुर्द सरपंच पप्पू तांती ने 2,000 और जिला परिषद के पति प्रदीप यादव ने 5,000 रुपए की सहायता राशि क्रियाकर्म के लिए मृतिका के परिजनों को सौंपा। सन्मार्ग के लिए भागलपुर के नाथनगर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। मामला हो गया, मामला क्लोज कीजिए, उनको आप हॉस्पिटलाइज करिए और जो रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट है ना, दोनों का गारंटी करना है। ज्यादा मिलेगा आपको जो भी सरकार के द्वारा जो भी अनुदान मिलता है बीपीएल परिवार के तहत, आपका के तहत जो भी पारिवारिक लाभ है वो आपको मिलेगा और हम लोग इसमें आप लोग इसमें कल आप लोग यहाँ से करवा लीजिए। आपको वादा करते हैं इस धरती पे यही सड़क पे कि जो भी एक्सेस लाभ होगा मेरा कलम चले। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।